हेलो एवरीवन। आज देखिए बेसिकली क्या है, जैसे कि कल हमारा वेबिनार मिस हो गया था, तो आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि जैसे कि बहुत से लोगों को मुझे डाउट्स आए थे और बहुत से लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों को, जितने भी आप लोगों ने मेरी मेंटरशिप ली है, आप लोगों पे क्या प्रॉपर वीडियोस अवेलेबल है कि कौन सा कैसे किस तरीके से हम देखते हैं। मतलब आप सभी को क्या है, जनरली ये पता है कि हम लोगों को किस लेवल पे क्या देना, मतलब ऑर्डर फ्लो कैसे देखते हैं। फिर आप लोगों को ये भी पता है कि ऑर्डर ब्लॉक हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आप सभी को ये चीजें पता है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, और किस तरीके से हम इम्बैलेंस देखते हैं, किस तरीके से हम अपना जोन ड्रॉ करते हैं। बट इसमें एक बात आती है कि आप लोगों को तब भी प्रॉपर वैसे एसएमसी नहीं आ रहे। मतलब आज जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें मेन हमारा क्या है कि किस तरीके से हम एसएमसी का यूज करते हैं, जबकि आपको सब कुछ आने के बावजूद भी आप लोग एसएमसी का पूरे तरीके से यूज नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना, आप लोगों में क्या होना चाहिए, पेशेंस, फियरलेस एंड ग्रीड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब आप लोगों को डरना नहीं है, लालच नहीं करनी, और पेशेंस के साथ आप लोगों को ट्रेड प्रॉपर वे से करना है। तो जनरली जैसे कि आप लोगों को पता, देखो आज मैं आपको बता रहा हूँ दोनों तरीके से, एज पर स्ट्रक्चर मैपिंग ट्रेड, एज पर सेशन लिक्विडिटी ट्रेड, हम किस तरीके से करते हैं। इसके एग्जांपल्स आप लोगों को मैं ऑलरेडी मेंटरशिप्स की वीडियो में मिल चुके हैं, तो मैं आपको क्या ग्राफिकली आज ड्रॉ करके समझाऊंगा कि किस लेवल पे किस तरीके से आप लोग देख सकते हो। क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है कि एसएमसी को किस तरीके से यूज करते हैं और क्या क्या आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या याद रखना, देखो मार्केट में आप लोगों को पता है क्लियर बेस पे कि आप लोगों को ट्रेड कब करनी है। जनरली जब मार्केट आप लोगों को क्या कर लेता है, फर्स्ट लो ले ले, एटलीस्ट जब मार्केट आप लोगों का इंड्यूसमेंट ले लेता है, मार्केट क्या करता है आप लोगों को इंड्यूसमेंट ले लेता है, तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास सिर्फ दो लेवल है, एक इंड्यूसमेंट से नीचे, एक हमारा जो एक्सट्रीम वन पॉइंट होता है, इन दो लेवल्स पे हमें क्या करनी पड़ती है, ट्रेड करनी पड़ती है। बट ये क्या आपका सिनेरियो वन, ये क्या आप लोगों का सिनेरियो वन, ये आप लोगों का सिनेरियो वन, एक इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। दूसरा हम करते हैं सेशन लिक्विडिटी पे, सेशन लिक्विडिटी पे ट्रेड कैसे करते हैं। जनरली आप लोगों को पता है मार्केट अगर आपका ये एशिया का हाई लगाया, मार्केट ने एशिया का हाई लगा दिया, ठीक है, ये आपका एशिया सेशन था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये एशिया सेशन चला, एशिया ने यहाँ क्लोज दे दिया, बीच में 30 मिनट जो आपका फ्री चलता है मार्केट, वो अब ओपन हुआ आपका न्यूयॉर्क, सॉरी न्यूयॉर्क कह रहा हूँ, लंदन आपका ओपन हुआ, लंदन ने क्या करा, एशिया सेशन के हाई से ऊपर क्या कर दिया आपको, क्लोजिंग दे दी। एशिया सेशन के हाई से ऊपर आपको अगर क्लोजिंग मिल जाती है, अगर आपको एशिया सेशन से ऊपर क्लोजिंग मिलती है, इससे ऊपर क्या मिलती है आपको, मैं क्लोजिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, इससे ऊपर आपको अगर क्लोजिंग दे देता है, आपको इससे ऊपर क्लोजिंग देता है, तो जनरली आपको देखो ये तो आप ट्रेड करते हो इस वाले में किस तरीके से, एज पर स्ट्रक्चर मैपिंग, बट एज पर लिक्विडिटी भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। मान लीजिए स्ट्रक्चर मैपिंग ये है आपकी और आपका इधर सब मिटिगेट था, सिर्फ यही एक जोन आपके पास बचा हुआ था, बट मार्केट ने क्या कह रहा है, इधर से एक ट्रेड दे दी, वो किस कारण दे सकता है मार्केट, जनरली वो क्या हो सकता है हमारा सेशन लिक्विडिटी। तो सेशन लिक्विडिटी में आप लोगों को याद रखना, अगर तो आप लोग सेशन लिक्विडिटी का टाइम फ्रेम यूज करते हो, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, तो देखिए 15 मिनट में क्लोजिंग मिलती है तो उसका सिनेरियो अलग होता है। एंड डीपली तरीके से हम नेक्स्ट वेबिनार में सीखेंगे जो हमारा संडे को होगा, उसमें हम डीपली तरीके से सीखेंगे, बट आज थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। 15 मिनट में अगर आपको अपर साइड क्लोजिंग मिलती है, तो आपको सेम उसी तरीके से क्या वेट करना है, जब मार्केट क्या करे, इंड्यूसमेंट ले लेगा, उसके बाद सेम जैसे हम इधर देखते हैं इंड्यूसमेंट ले लेगा तो इधर, बट एक चीज आपको याद रखनी है, इसमें कोई भी आपका ऐसे क्या है स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, मतलब ये क्या आपका कोई ऐसे हाई कंफर्म नहीं होगा, बिकॉज मतलब कि इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही आपका हाई कंफर्म होगा, बस इधर अगर प्रीवियस में कोई इंड्यूसमेंट नहीं लिया, बस यहाँ से मार्केट ओपन हो गया आपका, जैसे आपने देखा है नॉर्मल वो ओपन हो जाता है, आप लोगों को स्ट्रक्चर नॉर्मली ओपन रहता है, जो सेशंस नॉर्मल ओपन होते हैं, ये नॉर्मल ओपन था, ये एक हाई बनाया इसने सेशन का, और फिर उसके बाद डाउन घूम रहा था मार्केट, देन जब इसको क्लोजिंग की बारी आई, जब इसकी क्लोजिंग की बारी आई तो इसने यहाँ क्लोज दे दिया, उसके बाद फ्रीली 30 मिनट जो हमारा मार्केट घूमता है, जैसे 12:30 क्लोज होता है तो 30 मिनट ये ऐसे घूमता है, ठीक है, फिर मार्केट 1:30 पे इधर ये आता है, 1:30 पे आपने देखा कि क्या हुआ, 5 मिनट में हमें अपर साइड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी सेशन के हाई से, ये कोई वैसा हाई कंफर्म नहीं होगा इंड्यूसमेंट वाला, याद रखना है सेशन का हाई है सिर्फ, जनरली ये क्या है आपका नॉर्मल सेशन का हाई है, सेशन के हाई से ऊपर क्लोजिंग दे दी, अब आपको इसमें सेम वही रूल फॉलो करना है, बस आपको क्या वेट करना है,
मार्केट एटलीस्ट एक बार इंड्यूसमेंट ले। इंड्यूसमेंट लेते ही आप लोगों को क्या करना है, जनरली इसमें सीधा बाय लेना है। 5 मिनट के जोन में डायरेक्ट आप बाय लो, इधर जो भी जोन होगा आप एक डायरेक्ट बाय लो, एक सिंगल कैंडल का बाय लो। दो ट्रेड इधर मिलेगी, और अगर आप 5 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढोगे तो इधर नहीं मिलेगा। आपको क्या देखना है, सिंपल बेस पे जैसे इधर आएगा एक डायरेक्ट ट्रेड लो एंड एक आप सिंगल कैंडल की ट्रेड यहाँ पे फाइंड आउट करो। एंड यही सिनेरियो अगर 15 मिनट में होता, 15 मिनट में क्लोजिंग देता है अपर साइड, तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में स्विच नहीं होना कि 15 में क्लोजिंग है तो 5 मिनट में क्या हुआ, या 15 में स्वीप हुआ है तो क्या 5 मिनट में भी स्वीप हुआ है। तो 5 मिनट में आपको पता, अगर 15 में स्वीप हुआ है तो जरूरी नहीं है 5 मिनट में भी स्वीप दिखे, वहां क्या हो सकता है क्लोजिंग भी आपको दिख सकती है। तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में नहीं फंसना है, आपको सिंपल 15 में स्वीप दिख रहा है तो 15 की एंट्री जिस तरीके से लेते हैं उस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। एंड 5 मिनट में स्वीप हो रहा है तो आप लोगों को उस तरीके से फाइंड आउट करना है। मतलब मल्टीपल सिनेरियो में मत जाओ कि 5 मिनट में स्वीप हुआ है तो 15 में भी स्वीप दिखेगा, 15 में क्लोजिंग भी दिख सकती है। आप वर्क किस पे करो, जिस टाइम फ्रेम में आपने चेक किया उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से उसके रूल को यहाँ पे लागू करो, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आज का पहला पॉइंट था हमारा कि हम मार्केट को दो सिनेरियो से देखते हैं, सेशन लिक्विडिटी सिनेरियो, स्ट्रक्चर सिनेरियो। आप दोनों को ड्रॉ करके देख सकते हो कि किस तरीके से मार्केट वर्क कर रहा है, दोनों को क्या कर सकते हो, आप प्रॉपर वे से ड्रॉ करके ऐसे देख सकते हो। फिर बात आती है हमारी दूसरी, सेशन लिक्विडिटी की तो ऑलरेडी वीडियोज डली हुई है तो आप लोग वहां पे क्लियर देख सकते हो। बात आती है स्ट्रक्चर मैपिंग में, क्योंकि लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। बहुत ही सिंपल है स्ट्रक्चर मैपिंग। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ, उन पॉइंट्स को आप लोग याद रखो कि हमें एसएमसी में क्या देखना है। देखो नंबर वन पॉइंट हमारा होता है एसएमसी में, जब भी आपको कुछ देखना है सबसे पहले आप लोगों को एसएमसी में क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, सबसे पहले आप लोगों को चेकआउट करना पड़ता है कि हमारा आईडीएम किधर है, क्योंकि विदाउट आईडीएम आप हाई एंड लो कंफर्म नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास, आपको आईडीएम दिख गया, आपके पास एक हाई कंफर्म हो चुका है, हाई कंफर्म हुआ आईडीएम के बाद तो सेकेंड पॉइंट आप क्या देखोगे उसमें, जोन। आरडीएम से नीचे ही आपको जोन देखना है। एंड आपको हर बार बताया हूँ, जरूरी नहीं है जोन जस्ट आरडीएम के पुल बैक वाले के नीचे हो। मतलब ये अगर आपका आईडीएम है फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आपका इंड्यूसमेंट है तो जरूरी नहीं है इसी के नीचे वाले पुल बैक में मिले। मे भी यहाँ सब कुछ मिटिगेट हो गया है, तो आप क्या करो जो यहाँ नहीं मिला यहाँ देखो, ठीक है। एक्सट्रीम का वेट मत करो कि मार्केट एक्सट्रीम में आएगा मैं तभी ट्रेड लूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, आपको सब बोला है कि इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड करना है, मतलब यही वाले पुल बैक पे ट्रेड नहीं करना। अगर इधर नहीं मिला तो एक्सट्रीम का वेट करो। आपको जनरली क्या देखना है, इंड्यूसमेंट से नीचे देखना, चाहे वो बिल्कुल उसके नीचे वाले पुल बैक पे हो या सेकंड पुल बैक पे हो या थर्ड पुल बैक पे हो, आपको बस इंड्यूसमेंट से नीचे चेक करना है। सिंपल बेस पे पहला पॉइंट आप फाइंड करो कि इंड्यूसमेंट किधर है। आपने फाइंड करा इंड्यूसमेंट मेरा इधर है, तो ये लेने के बाद आपका हाई कंफर्म होता है। फर्स्ट पॉइंट हमेशा स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आप लोगों क्या देखना, अपना आईडीएम। आईडीएम फाइंड करने के बाद आप लोग देखते हो जोन, कि जोन हमारा जो है वो किसके नीचे होना चाहिए, इंड्यूसमेंट से नीचे। तो देखो इसे मैं लिख लेता हूँ आईडीएम, फिर आप फाइंड आउट करते हो जोन। देन उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट रहता है, जब हम जोन फाइंड आउट करते हैं, जोन को फाइंड आउट करने के लिए, जोन को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या इसमें देखना पड़ता है, इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, इसका जो पहला पॉइंट आएगा वो आता है हमारा ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो आने के बाद जो इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं वो क्या देखते हैं इसमें, आईएमबी मतलब इम्बैलेंस। और जो तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या होता है हमारा, ऑर्डर ब्लॉक। ये लास्ट लेवल रहता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक का। अब आप लोग देख सकते हो, मतलब पहले आपको क्या यूज करना है, ऑर्डर फ्लो, फिर आपको इम्बैलेंस को मिटिगेट करके अगर चेंज ऑफ करेक्टर देता है तो आप लोग तब भी ट्रेड ले सकते हो। देन उसके बाद अगर ऑर्डर ब्लॉक पे देता है तो वहां तो डेफिनेटली आपको ट्रेड लेना है, बट अगर ऑर्डर फ्लो एंड आईएमबी पे भी टैप करने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर लेता है तो आप लोग अपने वहां पे क्या कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने के बाद। देन हम क्या देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, एक्स्ट्रा एडिशनल कंफर्मेशन, मतलब लोअर टाइम फ्रेम एंड रिमोड्यूल, जो कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कितने टाइप्स की हमारी एंट्रीज होती है, और ऑलरेडी हमारी वीडियो डाली चुकी है हमारे मेंटरशिप में, तो आप लोगों ने वहां देख लेना कि कितने टाइप्स की हमारी एंट्री होती है। तो ये चार चीजें हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं इन एसएमसी। तो ये चीजें आपको याद रखना, एज पर स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोगों को सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, एंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को क्या फाइंड करने की जरूरत है, इंड्यूसमेंट। देन आप लोगों को जब इंड्यूसमेंट हो जाएगा
आप जनरली जब भी एसएमसी को यूज करते हो लाइन वाइज कंटिन्यू चलो। पहले इंड्यूसमेंट में आप क्या करो, अपनी मास्टरी करो। आप लोगों को पता है फर्स्ट लोगों को फाइंड करते हैं लाइफ का इंड्यूसमेंट, तो उसको फाइंड करने का तरीका देखो। आप मत ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो कि ऑर्डर ब्लॉक क्यों फेल हो रहे हैं, ऑर्डर फ्लो क्यों फेल हो रहे हैं। आप सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग ड्रॉ करो। पहले क्या करो, ओनली स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग जब आप लोगों को क्लियर बेस पर ड्रॉ होने लग जाएगा, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग क्लियर, फेज वन क्लियर। अब फेज टू आपको जोन फाइंड आउट करना है। जोन फाइंड आउट के लिए आपको क्या क्या चेक करना है, ऑर्डर फ्लो, इम्बैलेंस एंड ऑर्डर ब्लॉक, ये तीन चीजें आपको फाइंड करनी है। आप फिर इन तीन चीजों में मास्टरी करो। आफ्टर इन तीन चीजों में मास्टरी होने के बाद आप लोग किस में जाओ, लोअर टाइम फ्रेम एंट्रीज, उसमें आप लोग मास्टरी करो कि एंट्रीज को किस तरीके से देखते हैं। चौक बेस एपीआईयू में टैप होने के बाद जब मार्केट ने लो ब्रेक किया, सिंपल से एंट्रीज याद रखो, विद इंड्यूसमेंट हमने यहाँ पे सेल किया, मार्केट ने सेल दिया, ठीक है। विदाउट इंड्यूसमेंट किस तरीके से देखते हैं, स्वीप एंट्री किस तरीके से देखते हैं, सिंगल एंट्री किस तरीके से देखते हैं, फिर उन चीजों में आप लोग मास्टरी करो। देन इसके बाद आता है हमारा क्या पॉइंट, सेशन बेस, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। सेशन बेस पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं, तो सेशन बेस के लिए आप लोगों को पता है कि किस तरीके से हमें देखना। सेशन बेस के हम जनरली टू टाइम फ्रेम यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टू टाइम फ्रेम यूज करते हैं। टाइम फ्रेम कौन कौन से हमारे, 15 मिनट एंड हमारा 5 मिनट, ये दो टाइम फ्रेम हम लोग क्या करते हैं अपना यूज करते हैं इसके लिए, सेशन बेस पे ट्रेड लेनी। एंड सेशन बेस के लिए याद रखना, कभी भी ये नहीं है कि सेशन का जो हाई हो तभी कंफर्म होगा कि इंड्यूसमेंट ले रहे। जनरली अगर हाई लगा लिया है सेशन का, तो जरूरी नहीं कि वो प्रीवियस लो ले, उसका जो हाई है वो क्लियर है, ठीक है। तो दो टाइम फ्रेम से हम चेक करते हैं, एंड इसमें टू टाइप्स के हम एंट्री लेते हैं, एक तो स्वीप पे लेते हैं, एक हम क्लोजिंग पे लेते हैं। तो वो आपको मैं ऑलरेडी वीडियोज में बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, बट एक ग्राफिकली आप लोगों को मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ। ये हमारा कौन सा सीजन, इसका कलर कर देता हूं मैं, ये हमारा एशिया, ओके, इसका कर देता हूं मैं येलो, ये हमारा लंदन, और इसका कर देता हूं मैं ये पर्पल, ये हमारा न्यूयॉर्क सीजन। अभी टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं 5 मिनट, ठीक है, ये वाला टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं। हमने टाइम फ्रेम में देखा हमारा सीजन, पहले हमारा नॉर्मल मार्केट चल रहा था, हमारा नॉर्मल इस तरीके से मार्केट चल रहा था। चलने के बाद यहाँ पे हमारा मार्केट ऐसे घूम रहा था, देन यहाँ से हमारा सेशन ओपन हो गया। सेशन ओपन होने के बाद हमारा सेशन ने ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद सेशन हमारा यहाँ ही घूमा। घूमने के बाद आपको सभी को पता सेशन हमारा बीच में क्लोज हो जाता है, 12:30 ही क्लोज हो गया। देन उसके बाद रफली हमारा दूसरा सेशन चलता है जो हम यूज नहीं करते, तो अब ये बीच में सिर्फ इसी तरीके से घूम रहा है। अब ओपन होता है हमारा क्या, लंदन सेशन, यहाँ से लंदन ओपन हुआ। ओपन होने के बाद लंदन ने क्या करा, जनरली अगर हम देखेंगे लंदन कहाँ से ओपन हुआ हमारा, यहाँ से लंदन ओपन हुआ। लंदन ने क्या करा, इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी, इससे ऊपर हमें क्लोजिंग दे दी, इससे ऊपर हमें क्या दे दी, लंदन ने क्लोजिंग, लंदन सेशन ने क्या करा हमें इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने के बाद अगर क्लोजिंग मिल जाती है, इसका क्या मतलब होता है, कंटिन्यूएशन। एंड कंटिन्यूएशन किस तरीके से, आपको वेट करना है कि मार्केट क्या करे आपका, एक बार इंड्यूसमेंट ले, पूरा वैसे ही जैसे हम स्ट्रक्चर मैपिंग में देखते, एक बार इंड्यूसमेंट लेगा। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय इस लेवल पे बाय करेंगे, जब मार्केट अपना एक बार इंड्यूसमेंट ले ले। विदाउट इंड्यूसमेंट आप लोगों को बाय इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा केस होता है इसको क्या करे, सिर्फ स्वीप करे, ऊपर जाए और क्लोजिंग नीचे दे दे, तो आप लोग डायरेक्ट जैसे क्लोजिंग मिलती है स्वीप करते ही आप डायरेक्ट उधर क्या कर सकते हो, अपनी ट्रेड लगा सकते हो और वीक के हाई पे आप लोग अपना एसएल यूज कर सकते हो। एंड एक और केस होता है, जैसे ये एशिया सेशन है, एशिया का ये हाई है, हाई तोड़ने के बाद आप लोगों को पता है जब भी मार्केट क्या करता है, हाई एंड लो की लिक्विडिटी लेता है, तो उसका डायरेक्ट अपोजिट में जाता है, मतलब अगर हाई तोड़ता है तो डाउन हो जाता है, एंड अगर लो तोड़ता है तो वो आपकी तरफ जाता है। तो मान लो अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है, चाहे स्वीप नहीं करता भी क्या करता है क्लोजिंग, तब भी हम लोग क्या करते हैं इसमें सेल कर सकते हैं। प्रीवियस का कोई अगर हमें जोन दिखता है, मान लीजिए यहाँ हमें कोई जोन दिख रहा है प्रीवियस में, तो इधर आप जनरली प्रॉपर तरीके से वेट करो चेंज ऑफ करेक्टर का, देन आप लोग इस पे क्या कर सकते हो, सिंगल कैंडल एंड चेंज ऑफ करेक्टर पर आप लोग अपनी ट्रेड ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, अगर ऊपर क्लोजिंग दिया तो आप बाय करो, आप सेल भी कर सकते हो, क्योंकि इसने क्या किया, सेशन की हाई की लिक्विडिटी ली है। इसका मतलब होता है कि मार्केट जो आपका है
उसके चांसेस अभी नीचे जाने के भी है, क्योंकि मार्केट की प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ होती है, अप भी और डाउन भी। तो जब भी मार्केट हाई तोड़ता है तो सेल देता ही देता है, एंड जब भी लो तोड़ता है तो बाय शॉर्ट पर्पज वो देता ही देता है। तो आप लोगों को क्या है, इन दोनों को किस तरीके से देखना, देखो इन दोनों को आपको कॉम्बिनेशन करना ही पड़ेगा। ये जो दोनों है हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर, एज पर स्ट्रक्चर मैपिंग जो हम ट्रेड लेते हैं एज पर सेशन बेस, या तो आप किसी एक में मास्टरी कर लो, स्ट्रक्चर बेस पे आप लोगों को ट्रेड करनी है या सेशन बेस पे आप लोगों को ट्रेड करनी। सेशन बेस में आप लोगों को कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है कि हाँ ये हाई है ये लो, सिंपल सिर्फ इसी बेस पे आपको देखना है कि हाँ क्लोजिंग दी तो इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे एंड हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर बेस पे करना है तो उस बेस पे आपको प्रॉपर वे से फॉलो करना पड़ेगा, क्या इंड्यूसमेंट को ड्रॉ करके हाई कंफर्म हुआ, उसके डाउन वाले आप जोन्स लोगे, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो फाइंड आउट करोगे। एंड सेशन में आपको क्या करना है, सिंपल सा हाई कंफर्म करने के लिए किसी भी इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं है। सेशन का हाई ये लगा फिर नीचे आया उसके बाद हाई तोड़ता है, जनरली जो भी फर्स्ट लो होगा उसके बाद आप लोग बाय कर सकते हो, एंड स्विप करता है तो डायरेक्ट आप सेल कर सकते हो। इन दो बेस पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, अब डिपेंड आप पे कि आपको कौन सा ट्रेडर बनना है, एज पर स्ट्रक्चर मैपिंग एज पर सेशन बेस। एंड अगर आप लोगों को दोनों यूज करना है तो दोनों भी आप यूज कर सकते हो। समटाइम क्या होता है दोनों के लेवल सेम रहते हैं, तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल कंफर्मेशन होती है कि जो मार्केट का शूट है वो 100% क्या है बाय की तरफ यहाँ से जाएगा ही जाएगा, जो हमारा जोन है। बट कई बार क्या होता है, अभी तो ये लेवल है ओके, ये लेवल आने के बाद अब आपको 5 मिनट में और ये 15 मिनट में हम देखते, तो ये चीज याद रखनी है, 5 मिनट का इम्पैक्ट 5 मिनट की तरह पड़ेगा, 15 मिनट का 15 मिनट की तरह इम्पैक्ट पड़ेगा। कहने का मतलब अगर मैं इसे 15 मिनट में शिफ्ट होता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जोन में, वेट अ मिनट, मैं ओके, तो ये हमारा सेशन था, ये क्या थे हमारे सेशन, और अगर मैं इसे 5 मिनट में शिफ्ट होता, देखो 5 मिनट में मैं शिफ्ट होने के बाद मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं चेकआउट करूँ कि मार्केट ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं कोई भी हाई नहीं देख रहा अपना। जनरली मैंने सिर्फ क्या देखा कि मेरा ये कौन सा सेशन था, एशिया, ये मेरा एशिया सेशन था, एशिया का हाई कहाँ था पहले मेरा ये था, बट मार्केट ने क्या किया हाई तोड़ के इसका ये हाई लगा। आफ्टर हाई ब्रेक के बाद मार्केट ने क्या करा, ये हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसका हाई तोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है, अगर अपसाइड क्लोज दे दिया मैं क्या करूंगा, बाय देखूंगा, बट बाय कहाँ पे देखूंगा, किसी लेवल पे आने के बाद। तो मैंने देखा कि बेर आर अवर इंड्यूसमेंट, तो इसका इंड्यूसमेंट कहाँ था पहले, इधर अभी ऊपर ही चला गया, तो इंड्यूसमेंट कहाँ था हमारे लोगों का, ये वाला इसका इंड्यूसमेंट था पहले, एज पर सेशन लिक्विडिटी के बेस पे हम क्या कर रहे हैं अपनी ट्रेड ले रहे, ये इसका इंड्यूसमेंट था। देन इंड्यूसमेंट से नीचे वाले जोन पे क्या है, हमें अच्छा खासा मार्केट ने बाय भी दिया, अच्छा खासा मार्केट यहाँ आया ये मिड में, और यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रेड करते हैं। यहाँ पे हमने 84 टू मार्केट कितना गया है 88, मतलब 40 पिप्स मार्केट आपको देके गया, 20 पिप का स्टॉप लॉस, 1:2 का आपका क्या रहा इधर टारगेट रहा। एंड आप लोगों को पता है लिक्विडिटी किस तरीके से वर्क करती है, हर जगह अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, इसको स्वीप किया है, आप देखो इसके हाई को सिर्फ स्वीप किया है इन 5 मिनट, हाई को क्या किया जस्ट स्वीप किया। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, सेल करना था, सेल कब करना था जब नेक्स्ट कैंडल इससे नीचे क्लोजिंग हमें दे दे, तो मार्केट ने क्या किया इसको स्वीप करने के बाद ये हमारा एक सिंगल कैंडल जोन बन गया था, क्योंकि हाईएस्ट कैंडल ये गई थी इससे नीचे इसने क्लोज दिया था ओके, तो ये हमारा क्या बन गया था जोन बन गया था, जहां पे हमें क्या करना था डायरेक्ट सेल विदाउट एनी इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट की जरूरत कब पड़ेगी, जब मार्केट हमारा क्या करेगा क्लोजिंग अपर साइड, मार्केट हमारा क्या कर देगा हमें अपर साइड के लिए क्लोजिंग दे देगा। तो इधर स्विफ्ट किया था तो हमने क्या कर लिया, जनरली सेल हमने फाइंड आउट कर लिया। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मार्केट ने, देखो अब हुआ क्या है इधर का मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया इससे अपर साइड आप लोगों को क्लोजिंग दिया है, अपर साइड क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ये डाउन भी आया, मार्केट के आप लोगों को डाउन भी आया, तो इसके डाउन आने के भी कुछ लेवल्स होंगे जो प्रीवियस में होंगे आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे अपर साइड क्लोजिंग दे दी इस लेवल पे कोई जोन हो तो आप फाइंड कर सकते हो कि हाँ प्रीवियस में कोई जोन था, तो इस लेवल पे आप अपनी एज पर सिंगल कैंडल एंट्रीज भी फाइंड आउट कर सकते हो। एंड जैसे कि हाँ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ क्या हुआ मेरा स्वीप हुआ ओके, यहाँ पे मेरा स्वीप हुआ, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हुआ मेरा स्वीप। स्वीप होने के बाद अभी कितने टाइम फ्रेम है, 5 मिनट में स्वीप है, तो जरूरी नहीं है 15 मिनट में ये स्वीप दिखाए, इसमें आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं होनी कि मल्टी टाइम फ्रेम पे आप चेक कर रहे हो सेशंस, ठीक है। अभी तो जैसे ये स्वीप हुआ 15 मिनट में भी क्या हुआ ये हमारा स्वीप हुआ, बट अगर 15 मिनट में इन केस यहाँ क्या मिलता हमें
क्लोजिंग, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि 15 में क्लोजिंग है, 5 में स्वीप है। 5 में स्वीप है तो 5 को 5 की तरह यूज करो, 15 में स्वीप है तो 15 को 15 की तरह स्वीप का यूज करो। ये चीजें आप लोगों को क्या रखनी है, अपने हमेशा याद रखनी सेशन लिक्विडिटी को, कि बहुत सीनेरियो को कंबाइन मत करो कि 5 का अलग देखो और 15 का आप लोग अलग तरीके से देख रहे हो। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि यही मार्केट में सबसे मेन चीजें होती है जिसको हम फाइंड आउट करते हैं। एंड अभी जैसे कि मार्केट हमें दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया, हमें अच्छा खासा मार्केट कितना ड्रॉप दे के आया, 2010 से मार्केट कितने पे आ गया वापस, 1972। आप सभी को पता है कितना मार्केट का कितना बड़ा टारगेट मार्केट हमें दे गया, मार्केट ने अच्छा खासा ड्रॉप दे दिया। और ये जो ड्रॉप दिया इसका भी कोई प्रीवियस में क्या होंगे, मे बी यहाँ पे क्या चांसेस है प्रीवियस में इसके क्या हो सकते हैं, यहाँ पे कोई डेली या आवर्ली का क्या हो सकता है प्रॉपर वेज पे हमारा जोन हो सकता है, क्योंकि जो मार्केट का मूवमेंट है अभी, मार्केट ने जो मूवमेंट दिया है वो किस बेस पे दिया है मार्केट ने, उसके भी कोई लेवल्स होंगे। विदाउट लेवल मार्केट कभी भी कोई ट्रेड नहीं देता। उधर क्या हो सकता है, कोई जोन हो सकता है मे बी, या किसी एंगल के कारण मार्केट ने क्या क्या मूवमेंट दी होगी। तो अगर इधर हम चेक करेंगे तो प्रीवियस में अगर आवरली पे देख लेते हैं हम, क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट होता है ना तो वो होता है। एंड एक बात आप लोगों को ये याद रखनी है हमेशा, जैसे एक मिनट अभी मैं देख लेता हूँ पहले यहाँ पे, ओके अभी मार्केट यहाँ पे आया, अभी मार्केट हमारा इधर आया, इधर क्या है एक्चुअल में अगर इधर हम देखेंगे तो ये जो कैंडल है इसका क्या है, अगर इस कैंडल को हम देखेंगे ये वाला, ये वाले कैंडल प्रीवियस कैंडल का इसने क्या किया, हाई को स्वीप किया, प्रीवियस कैंडल हाई को स्वीप किया, और ये अनमिटिगेट जोन था, ये क्या था हमारा प्रॉपर बेसिक अनमिटिगेट जोन बचा हुआ था। एंड एक चीज आप लोगों को इसमें क्या याद रखनी है, देखो मेक श्योर आप लोगों को ये चीजें सबसे ज्यादा याद रखनी है, अगर तो आप करंट में देख रहे हो मार्केट, जैसे जो प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट का आपने जोन देखा कि हाँ ये मेरा इंड्यूसमेंट था, अब इस जोन से मैं बाय करूंगा, और एक एक्सट्रीम दो जोन से हम लोग क्या करते हैं अपने बाय करते हैं, मार्केट ने क्या किया इससे बाय देने के बाद ये जो कंफर्म हाई था इसे ब्रेक कर दिया, कंफर्म हाई ब्रेक हो गया ना आप लोगों का, अब इन फ्यूचर जब नीचे आएगा ना तो ये एक्सट्रीम जोन आपके अनमिटिगेट है, तो यहाँ पे चांसेस आप बाय ले सकते हो, आपको प्रेजेंट वाले जोन वर्क नहीं करेंगे, आपके पास्ट के जोन वर्क करेंगे। तो पास्ट के जोन के लिए आपको ये नहीं देखना है कि हाँ यहाँ पे क्या है मेरा ये एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं है तो बीच में ये ऐसा वैसा, किसी भी लेवल का आप जोन यूज कर सकते हो, अगर आप पास्ट का फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है आप लोगों को याद रखना है अगर पास्ट का जोन फाइंड आउट कर रहे हो, जैसे ये पास्ट कब हुआ, जब ये हाई टूट गया, ये हाई टूट गया और इसका न्यू हाई क्रिएट हो गया है, और ये इसका न्यू हाई क्रिएट हो गया है, ठीक है पहले ये हाई था इस हाई को ब्रेक किया, न्यू हाई क्रिएट हुआ इंड्यूसमेंट ले, और इसका ये लो पॉइंट था, अब ये क्या है पास्ट, अगर ये हाई नहीं टूटता तब ये प्रेजेंट था, बट अभी हाई टूट गया, नया हाई क्रिएट हो ना हो बट ये टूट गया, ये टूटने के बाद न्यू लेवल क्रिएट हो रहा है, आप क्या यूज कर सकते हो इस वाले जोन को, एज जब मार्केट नीचे आएगा ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा, अब चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हमें बाइंग भी देखना है, यहाँ से चांसेस है कि मार्केट इस जोन में आके क्या कर सकता है, हमें अच्छा खासा बाय का मूव आप लोगों को दे सकता है। तो ये चीजें आप लोगों को हमेशा से याद रखनी है कि पास्ट के जोन के लिए आपको लेवल्स नहीं देखने की मेरा हाई है या लो है ऐसा वैसा कुछ भी जरूरत नहीं है। एंड जब भी आप लोग एसएमसी यूज करते हो तो डेली का आप एक बार पहले शुरू में जब भी स्टार्टअप करते हो तो डेली का देखो कि जो मार्केट है वो तो डेली में क्या मूवमेंट कर रही है, ठीक है डेली के हिसाब से हम लोगों को हमेशा अपना वर्क करना है। तो उसको मैं हटा देता हूँ बेटा बेटा, ओके अब ये डेली का जोन है, डेली में देखो डेली में इधर कहा था हमारा जोन, इस लेवल पर डेली में था 1968 पे, इस लेवल पर हमारा डेली का था, बट अभी एक्चुअल में हुआ क्या, देखो जैसे कि आप लोगों को चैप्टर में बता चुका हूं मैं, आपने देखा है अभी हुआ क्या है, मार्केट क्या था यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड था, एज पर डेली स्ट्रक्चर क्या था हम लोगों का, मार्केट डाउन ट्रेंड में था डेली कैंडल के हिसाब से, नोट आ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट, बट सिर्फ कैंडल लिक्विडिटी बेस पर डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने क्या किया लो की लिक्विडिटी स्वीप करी डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी थी हमारी, कम प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट अप जाएगा, दिस इज लो प्रोबेबिलिटी कि मार्केट में हम बाय करेंगे, यहाँ पे क्या बाय करना था हमें शॉर्ट टर्म के लिए इस लेवल पे बाय करना था, अब डेली पे यहाँ शॉर्ट टर्म पे बाय दिख रहा है, 15 मिनट में भी यहाँ पे हमारा बाय था 1811 पे, 15 मिनट में भी हमारा यहाँ बाय था, एंड सेशन लिक्विडिटी में भी हमारा यहाँ पे बाय था, तो जिस कारण स्ट्रॉन्ग बाय गया है,
बहुत सीनेरियो को आप कंबाइन करो। अभी क्या है देखो, इससे अपर क्लोजिंग दे दी, कंटिन्यू मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग क्लोजिंग दे रहा है। अब क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में मार्केट ने लो की लिक्विडिटी स्वीप करी है। अब यहां से एक और हार्ड सीनेरियो मिला है किसके लिए, बाइंग के लिए। यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप हुई है आपकी प्रीवियस कैंडल की, जब आप लोगों की अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ पे क्या हुई है आप लोगों की, स्वीप हुई है। अब यहाँ से क्या बन गया हमारा, स्ट्रॉन्ग सिनेरियो बन गया अगेन एक और बाय करने, क्योंकि आप लोगों को पता जब भी मार्केट प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप करता है, मार्केट जब भी प्रीवियस लो की आप लोगों की लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो आपको क्या करना है, डेफिनेटली वहां पे बाय अपना करना ही करना है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। डेली लिक्विडिटी स्वीप हुई है और लो की है, अगर तो हाई की स्वीप करता तो शॉर्ट टर्म के लिए सेल, क्योंकि आप लोगों को सारा का सारा मैं वीडियो में एग्जांपल के साथ बता चुका हूँ, तो उधर अच्छे से देखो। तो ये आज का कुछ हमारे टॉपिक्स थे कि किस तरीके से एसएमसी को यूज करते हैं, क्या क्या आप लोगों को एसएमसी में देखना है। सारी वीडियोस होने के बाद भी लोग गलती कर रहे हैं, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। जब भी आप लोगों को एसएमसी में देखना है, तो एसएमसी में दो तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं, एज पर स्ट्रक्चर, एज पर सेशन लिक्विडिटी। जरूरी नहीं सेशन हो, एज पर लिक्विडिटी, एज पर सेशन। तो डिपेंड करता है आपको लिक्विडिटी बेस पे ट्रेड करनी है, सेशन बेस पे ट्रेड करनी है, क्योंकि सेशन बेस पे स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होता, डायरेक्टली हम ट्रेड लेते हैं। एंड स्ट्रक्चर बेस पे हमें प्रॉपर ट्रेड करनी है, प्रॉपर ड्रॉ करना, वेयर इज अवर हाई, वेयर इज अवर लो, वेयर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर जोन, इंड्यूसमेंट, सब हम ड्रॉ करते हैं। बट ऐसा हम किस में यूज नहीं करते, सेशन लिक्विडिटी में। सेशन में जस्ट हम सेशन का हाई यूज करते हैं, सेशन के हाई ब्रेक हुआ, सीधा इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं, डायरेक्ट इंड्यूसमेंट के बाद ट्रेड लेते हैं, स्वीप पे हम डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं। बट स्ट्रक्चर मैपिंग में सारा उल्टा है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखने की, आपको किस बेस पे ट्रेड करना है, एंड बहुत सिनेरियो आपको चेक करना है। अभी जैसे ये था, ठीक है, बहुत सारा सिनेरियो आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि डेली में क्या है प्रॉपर वे से। डेली में अगर स्वीप हो रहा है, देखिए यहाँ पे जैसे कि इसको मैं गोला कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या हुआ, डेली में लिक्विडिटी स्वीप हुई है, डेली में यहाँ से हमें बाइक का सीनेरियो दिख रहा था। तो 15 मिनट में अगर मैं यहाँ चेकआउट करता हूँ कि 15 मिनट में क्या था यहाँ पे, ओके देखो 15 मिनट में क्या था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी 15 मिनट में अगर कोई जोन देखना होगा, तो जैसे कि ये था मेरा इधर एक जोन, ये मेरा 15 मिनट का जोन था, ओके। एक 15 मिनट का मेरे पास क्या हो गया, जोन फंड आउट हो गया। अभी इस जोन में मार्केट आ गया, पहला क्या था, डेली के भी एंट्री थी, दूसरा जोन में भी आ गया, तीसरा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन क्या ले सकते हैं हम, सेल बाय, तो तीसरा क्या जाएगा हमारा, बाय ऑलरेडी। और इसको अगर हम इधर 5 मिनट में चेकआउट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं 5 मिनट में अगर फाइंड करते हैं कि 5 मिनट में क्या हुआ है, तो 5 मिनट में भी जरा अगर हम सेशन की देखेंगे तो हुआ क्या इधर एक्चुअल में। देखो सेल बाय, तो आपको पता है जब भी मार्केट क्या करेगा हमें क्लोजिंग, देखो स्विप किया तो सेल कब करना था, इस कैंडल ने स्विप किया है, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, इससे नीचे भी क्लोजिंग में बैक टू बैक स्वीप हो गया, इससे नीचे अगेन हमें अभी तक किसी ने भी क्लोजिंग नहीं दिए, तो हम सेल नहीं कर सकते। मेक श्योर आप लोग याद रखो, जो भी कैंडल स्वीप करता है तो नेक्स्ट कैंडल उससे नीचे क्लोजिंग दे, तभी आप लोग ट्रेड वहां पे ले सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है, जब भी आप लोगों को ट्रेड करनी है तो आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा प्रॉपर वेस पे, कि वहां पे क्या दे हमें क्लोजिंग फाइंड आउट करें। और यहाँ से देखो मार्केट को आपको बाय ही देना था, पर सेशन आप लोगों को बाय था, जब ये सेल था ऑब्वियसली, और ये बाय गया तो थर्ड आपको पता है बाय जाएगा। अगर ये बाय होता ये सेल जाता तो ये क्या होता आपका ऑलरेडी सेल, बट ये बाय और ये बाय तो ये क्या आएगा सेल। मतलब हर एक वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा अच्छे से बताया हूँ मेंटरशिप में क्या क्या आपको देखना, तो कुछ इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब डेली में इधर हमें टारगेट मिल रहा था, डेली में क्या दिख रहा था कि प्रीवियस कैंडल को स्वीप कर रहा है और अपर साइड वापस जा रहा है, और हमारा इधर भी ऑलरेडी 15 मिनट का भी जोन था और हमारा सेशन बेस पे भी ट्रेड था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था जहां से हमें क्या करना था, बाइंग पुश करना था, और यहाँ से आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट सीधा 2000 पिप दे के आ चुका है, 2000 पिप मार्केट ऑलरेडी हमें यहाँ पे प्रॉपर वेस पे दे चुका है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, प्रॉपर वेस पे मल्टीपल सीनेरियो आप फाइंड कर सकते हो कि डेली का देखना है, डिपेंड करता है कि आप लोग किस बेस के ट्रेडर्स हो। आपको सेशन बेस पे ट्रेड करना है, मतलब लिक्विडिटी बेस पे ट्रेड करना है, ये आपको स्ट्रक्चर बेस पर ट्रेड करना है, डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सा ट्रेडर बनना है। जो सा ट्रेडर आपको बनना है उस रूल्स को आप फॉलो करो, प्रॉपर बेस पे
उस तरीके से आप ट्रेड करो, और कोई ये मत सोचो कि कौन सा बेस्ट है, दोनों तरीके बेस्ट हैं, दोनों में हमें एडिशनल कंफर्मेशन जो हम चेक करते हैं सब में हम चेक करते हैं, पर ज्यादा ट्रेड इसमें किसमें मिलती है हमें, सेशन, उसमें आप ज्यादा ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो सेशंस में भी प्रॉपर पेशेंस रखना है और स्ट्रक्चर में भी, आप दोनों का यूज करो, स्ट्रक्चर भी यूज करो और स्ट्रक्चर के बीच में जो सेशन ओपन होता है, मान लो कहने का मतलब है मेरा ओके, ये इंड्यूसमेंट था, ठीक है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया और आपका ये वाला अनमिटिगेट जोन बचा हुआ था, ओके, जस्ट बाकी वाला अनमिटिगेट, बट बीच में मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर इस हाई के और लो के बीच में जो घूमता है, तो ये अप और डाउन के इसमें क्या यूज कर सकते हो आप, सेशन लिक्विडिटी का आप लोग यूज कर सकते हो, जब मार्केट हाई एंड लो के बीच में घूम रहा होता है विदाउट किसी जोन को टैप भी नहीं किया, तब भी आपने देखा हो मार्केट ऊपर जा जाता है या आपका मार्केट नीचे चल जाता है, तो इसमें आप क्या यूज कर सकते हो, इस लेवल पे सेशन लिक्विडिटी यूज करो, यहाँ पे सेशन बेस पे ट्रेड लो, एंड जब आपके इस जोन में आ जाएगा इन फ्यूचर तो आप लोग अपने स्ट्रक्चर बेस पे ट्रेड ले सकते हो। तो ये चीजें आप लोगों को डिपेंड करती है कि आप लोगों को ट्रेडर कैसा बनना है, किस बेस पे आप लोगों को ट्रेडर बनना है और किस तरीके से देखना है। एंड डेली में हम अगर देखेंगे हमारा मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड था, मार्केट क्या था हम लोगों का, डाउन ट्रेंड में मार्केट हमारा मूवमेंट दे रहा था, तो मार्केट ने यहाँ पे हमारा लो को ब्रेक किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल लो ब्रेक होने के बाद ये मार्केट का हाई पॉइंट था, अगेन मार्केट ने क्या कर दिया था यहाँ पे हम लोगों का चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया था, यहाँ पे क्या कर दिया था मार्केट ने हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, देन आप देख सकते हो मार्केट ने कहीं भी हमारा इंड्यूसमेंट नहीं लिया था, मार्केट ने किसी भी लेवल पे इंड्यूसमेंट हमारा लिया ही नहीं था, और इंड्यूसमेंट कहाँ लिया था मार्केट ने, फॉर कंफर्म हाई करने के लिए मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ लिया था हमारा, यहाँ पे मार्केट ने हमारा इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये जो हाई कंफर्म हुआ था इस हाई को क्या करा मार्केट ने, स्वीप कर लिया था, इस हाई को क्या कर लिया, स्वीप, तो यहाँ से जब भी मेजर हाई एंड लो स्वीप होते हैं तो आप लोगों को पता है सेल करना ही करना, एंड आफ्टर इंड्यूसमेंट अगर हम पुल बैक देखेंगे वेयर इज अवर पुल बैक, तो क्लियर पुल बैक हमें ये वाला दिख रहा था, एक हमारा पुल बैक था वो क्लियर ये दिख रहा था, जहां से हमें क्या करना था बाइंग पर्पज से ट्रेड लेनी थी कि इस लेवल पे हम क्या कर सकते हैं बाय, और आप लोग देख सकते हो इधर मतलब 1863 से जो ये बाय गया है 1800 मतलब 300 पिप देके गया है, 300 पिप दिया, और ऐसा नहीं कि वन डे में ही देखो आप, 15 मिनट में भी इस लेवल पे अगर कुछ मिलता है तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखो, क्योंकि यहाँ से क्या देखना था हमें बाय को देखना था, इस लेवल पे हमें बाइंग देखनी थी, तो इस लेवल पे आप फाइंड आउट कर सकते हो 15 मिनट में भी क्या करो इस जोन में बाइंग की ट्रेड आप देखो, जो आपको फाइंड आउट मिलता है जिस तरीके से आपको देखना, तो वो सारे सीनेरियो आप लोग यूज कर सकते हो, मेक श्योर आप लोगों को समझ आ रहा हो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप लोग या तो स्ट्रक्चर बेस पर ट्रेड कर लो या लिक्विडिटी बेस पर ट्रेड कर लो, एंड या दोनों को कंबाइन करके आप लोग ट्रेड कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सा ट्रेडर बनना है, लिक्विडिटी ट्रेडर या प्रॉपर स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडर, मैं बोलता हूँ आप दोनों को यूज करो, दोनों यूज करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, मल्टीपल ट्रेड्स मिलेगी, अगर आज आपको जोन में नहीं आया मान लीजिए, हाँ जोन में नहीं आया बट उसके बाद भी ये मूवमेंट दे रहा है, सिंपल बेस पे क्या यूज कर लो, सेशन लिक्विडिटी यूज कर लो कि जो मोमेंट कवर में मिल रहा है वो आप लोग ले सकते हो, एंड अगर जब जोन में आ गया तो जोन का यूज कर लो, डेली लिक्विडिटी आप लोगों को पता है किस तरीके से करते हैं, सारी चीजें आप लोगों को पता है, अब आप लोगों को क्या करना है मास्टरी करनी है वन बाय वन, हर एक चीज में वन बाय वन मास्टरी करनी है, देन सिर्फ 3 महीने का टाइम लगेगा आप लोग प्रॉपर बेस पे ट्रेडर बन सकते हो, एसएमसी ट्रेडर, डिपेंड आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी पेशेंस के साथ, प्रॉपर वेट के साथ आपको पूरे मेहनत से इधर लगन से काम करना पड़ेगा, तो उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा, तो जो आज का हमारा टॉपिक था एसएमसी में हम क्या क्या देखते हैं वो हमारा क्या था डीपली तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन था, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वेबिनार में जो हमारा होगा संडे को, एंड इस बार थोड़ा तबियत खराब था तो नेक्स्ट टाइम हमारा संडे को होगा, उसमें हम सिर्फ सेशन लिक्विडिटी का पढ़ेंगे कि सेशन लिक्विडिटी को 15 मिनट में कैसे देखते हैं, 5 मिनट में कैसे देखते हैं, बहुत सीनियर में क्या क्या चेक करते हैं, तो आज का जो हमारा सेशन था यहाँ पे कंप्लीट होता है, हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन में।